Caddies FM presenting news update. बलोचिस्तान में फिर दहशतगर्दों का वार, चमन में पशन बाईपास पर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी के करीब धमाका, 3 लेविस एहलकार जां बहक, 2 जख्मी, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। करप्शन मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, बदनवानी के दायरे तबाह किए गए, कर्ज लेकर मुल्क को नुकसान पहुंचा। आज हमारे पास रियासती उमूर चलाने के लिए खजाने में कुछ नहीं, अफसर शाही जुर्रतमंदाना फैसले करे, साथ दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का सिविल सर्वेंट से खिताब, साबका हुकूमतों पर भी चढ़ाई, कहा कि कर्ज $6,000 से बढ़कर $30,000 अरब तक पहुंच चुका, एहतसाब के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसुम नवाज का सफर आखरत, जाती उम्रा में नमाज जनाजा अदा की गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर समेत खानदान के दीगर अफराद ने मैयत का आखिरी दीदार किया। मरियम नवाज शिद्दत गम से निढाल, चचा के कांधे पर सर रख कर रोती रही। बेगम कुलसुम नवाज का जनाजा, लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद जाती उम्र में मौजूद, दाखिले की इजाजत न मिलने पर मुतादिद कारकुनान रुकावटें फैलांग कर दाखिल। नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान समेत दीगर सियासी रहनुमा और समाजी शख्सियात भी जनाजे में शरी। साबिक खातून अव्वल का जस्ते खाकी आज अलसुब लंदन से लाहौर लाया गया था। मैयत को एयरपोर्ट से शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सर खाने मुंतकिल किया गया था। शहबाज शरीफ समेत शरीफ खानदान के 14 अफराद मैयत के हमरा पहुंचे। हसन और हुसैन नवाज नहीं आए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर की प्रोल पर रिहाई में 17 सितंबर तक तौसी। पाक वज़राए खारजा मज़ाकरात, दो तरफा तआवुन बढ़ाने पर इत्तफाक। शाह महमूद कुरैशी का मसला कश्मीर, FTA गुस्ताखाना खाकों के मामले पर तुर्की का शुक्रिया। पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं, दोस्ती लाजवाल है, हमेशा कायम रहेगी। तुर्क वजीर खारजा का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मकबूजा कश्मीर में फिर कत्ले आम, गुज़िश्ता रोज 8 नौजवानों को शहीद कर दिया, जिसके बाद फिजा सोगवार। वादी में शटर डाउन हड़ताल, एहतजाज रोकने के लिए भारतीय फौज ने पहरे मजीद सख्त कर दिए। हुर्रियत क़यादत नजर बंद, लोगों को नमाज जुमा की अदायगी में भी मुश्किलात। पाक अमरीका ताल्लुकात में तनाव बरकरार, अमरीकी वजीर खारजा ने एतराफ कर लिया। तर्जुमान का कहना है माइक पोम्पियो की पाकिस्तान हुकाम से मुस्बित और बामाने मुलाकातें हुईं। अमरीका नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनरल वाटर कंपनी से मुतालिक अस्खुद नोटिस ले लिया। तमाम कंपनियों के CEO को नोटिस, जवाब तलब। केस कल लाहौर में समाअत के लिए मुकर्रर, अब अक्रबा परवरी पर तकर्री नहीं होगी। जेर जमीन पानी अब मुफ्त में नहीं मिलेगा। सीमेंट फैक्ट्रियां अपने पानी का बंदोबस्त करें, चीफ जस्टिस के कटास राजमंदिर केस में रिमार्क्स। जमनी इंतखाबात का मार्का, कराची में भी गहमा गहमी शुरू। 27 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल कर लिए। कागजात हासिल करने वालों में PP, PTI, नून लीग और दीगर जमातें शामिल। समंदरी तूफान फ्लोरेंस की पेशकदमी, अमरीकी रियासत कैरोलिना में तूफानी बारिशें शुरू। हवाओं की रफ्तार 165 किलोमीटर फी घंटा। खराब मौसम के 22-1300 परवाजें मनसूख। 1,00,000 सार्फिन बिजली से महरूम। एशिया कप एक दिन की दूरी पर, ट्रॉफी की रुनमाई आज, मैदान कल सजेगा। इफ्तिताही मैच में श्रीलंका बांग्लादेश आमने सामने। कौमी टीम का पहला इम्तहान इतवार को होगा। इमामुल हक ने कोहली के बगैर भी भारत को खतरा करार दे दिया। दिस न्यूज अपडेट ब्रॉट टू यू बाय FM Haddies 72, द वॉइस ऑफ सोल। FM Haddies 72 इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, डाउनलोड अप नाउ।